हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजस्थानी मिर्ची कोटा की बहुत ही टेस्टी सी इजी और क्विक रेसिपी, जो कि आप जब इसे बनाएंगे तो सब्जी का तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं आएगा मन में कि सब्जी भी बनाएं इसके साथ। बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ना कुछ मिर्चें रखी हुई थी, तो दो तरह की हैं, ये देखिए इस तरह से, तो मैंने सारी ले ली हैं और साथ में ले लिया है गार्लिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम इन्हें चॉप कर लेंगे, तो मोटा मोटा चॉप कर लेंगे इन्हें। तो मैं ना इसे डायरेक्ट चॉपर में ही चॉप कर लूँगी, क्योंकि अभी हमने इसे चॉप करना है। तो वैसे तो ये जो कूटा है ना, ये कूट कर बनता है, पर मेरे पास सिलबट्टा वगैरह नहीं है, तो मैं इसमें ही इसको एक बार चला लूँगी बढ़िया से, तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे कुटी हुई मिर्च होती है, सेम वैसे ही। तो रफली हम चॉप कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो मिर्ची है ना वो इसमें डाल दी है रफली चॉप करके, और मेरे पास एक लाल मिर्च भी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और साथ में डाल देंगे एक गार्लिक, और इन्हें जो है ना हम चॉप कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो है ना चॉप कर लिया है, और यही टेक्सचर हमें चाहिए था। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो ऑयल है हमारा वो गरम हो गया है, मैं यहाँ इसे मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, और साथ में डाल देंगे इसमें पंचफोरन, जिसमें कि 5 जो सीड्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, जिसमें कलौंजी, सौंफ और जीरा, अजवाइन, सरसों, मेथी दाना, और इसे थोड़ा सा हम पकने देंगे। और अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा गार्लिक चॉप किया हुआ, इस मिर्ची कूटा में गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे स्किप मत करिएगा, जरूर ऐड कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप जो है ना इसे डाल सकते हैं, मैं थोड़ी ही क्वांटिटी में डाल रही हूँ। तो ये गार्लिक जो है हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इनका कच्चापन जो है ना वो निकल गया है, और अब हम डाल देंगे ये हमारी मिर्ची। तो आप ना बिल्कुल फाइन चॉप मत कीजिएगा, ये इसी तरह से इसे कूटने की पर्पज़ से जैसे हम लोग कूटते हैं तो उसी हिसाब से इसे रखेंगे, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसे जो है ना अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे नमक, तो नमक जो है स्वादानुसार ही जाएगा, और इसके साथ साथ इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। तो मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, बहुत थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं इसमें आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर दूँगी, और इसे जो है मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कितना ये बढ़िया लग रहा है, देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है कि बस खाना ही शुरू कर दे, बहुत ही टेस्टी बनता है और झटपट वाली रेसिपी है, सब्जी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, गर्मी वैसे ही है, बहुत देर किचन में काम करना अच्छा भी नहीं लग पा रहा है। और ये देखिए 2 से 3 मिनट में हमारी ये जो मिर्चा जो है ये रेडी हो गई है। तो बस इसे मैं 1 मिनट और अच्छे से पका लूँगी। तो इस स्टेज पे जो है ना आप मसाले एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर नमक या कुछ मसाले आपको कम ज़्यादा लगते हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इसी स्टेज पे। तो ये जो मिर्ची हमारी है, मिर्ची कुटी, तो ये बिल्कुल रेडी है, और इसे हम निकाल लेंगे, और इसे जो है आप गर्मा गर्म या ठंडा चपाती के साथ, परांठे के साथ, राइस के साथ, साथ में देसी घी हो या लस्सी, दही किसी के साथ भी आप इसे सर्व कीजिए, बिना दही लस्सी के भी ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे, और फिर इसे हम सर्व करेंगे। तो फटाफट से हम हमारी जो चपाती है, फुलके जो है वो बेल लेते हैं, और अब इसे सेक लेंगे हम।
और जब तक ये बनती है हम दूसरी रोटी भी इसी तरह से बेल लेंगे। और ये हमारी फूली फूली सी जो चपातियां हैं, फुलके हैं, वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी जो फुलके हैं वो रेडी करेंगे। सभी फुलके हमारे बढ़िया से फूल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये छोटे छोटे से फुलके और झटपट से बनके रेडी हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो है ये फुलके भी रेडी हो गए हैं और फटाफट से हम इसकी जो है प्लेटिंग कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा ये सुपर डिलीशियस सिंपल सा देसी खाना, जिसे आप गर्मियों में खूब इंजॉय करेंगे। बहुत ही सिंपल है लेकिन इतना यमी और टेस्टी है कि कुछ कहने की बात नहीं। आप इसे जब बनाएंगे, खुद ही ट्राई करेंगे और खुद जब जानेंगे कि कितना स्वाद है इस खाने में, तभी आपको पता चलेगा। आई होप कि ये रेसिपी तो आपको बहुत पसंद आई होगी, बिल्कुल देसी स्टाइल है। अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।